बेटा नाइडीरिया हमारे साथ ये वो फाइलम है जॉब के बुक में सेनेटर्स के नाम से दिया गया है। बेटा इसको नाइडीरिया का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि नाइड से निकला हुआ वर्ड है के एन आई डी ए, जिसका नाम है स्टिंगिंग सेल। मतलब अगर इसके माउथ के ऊपर ये जो निमेटोसाइड्स है, ये जो टेंटिकल्स है, अगर इसके अंदर इसके साथ कुछ भी अटैच हुआ बेटा, तो ये उसको क्या कर देते हैं, स्टिंग कर देते हैं जस्ट लाइक बी। समझ गए ना, दैट्स व्हाई नाइट स्टिंगिंग सेल से निकला हुआ है। तो उसके जो टेंटिकल्स इसके अंदर बेटा ये मौजूद है, क्या नाइडोसाइट्स, क्या नाइडोसाइट स्टिंगिंग सेल्स मौजूद है जिसके अंदर ये चीज़ होती है और ये स्टिंग कर जाती है। दैट्स व्हाई दे आर नेम इज़ व्हाट, नाइडेरियन। अच्छा बेटा अगर ब्रीफ हिस्ट्री बता दें, चलिए बेटा ये भी प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दे दूँ तो ये आप समझे कि ये प्लांट है। तो बेटा डेट्स व्हाई पहले ये प्लांट समझे जाते थे, बाद में हमारे पास पेसोनल और ट्रेम्बली आ गया और उन्होंने प्रूव किया कि ये हमारे साथ ये चीज़ क्या है, ये हमारे साथ एनिमल है। अच्छा बेटा अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम नाइडेरियंस। बेटा जस्ट लाइक पोरिफ्रन दे हैव आल्सो देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अगर वो एसाइमेट्रिकल था तो बेटा ये रेडियल साइमेट्रिकल है। ये क्या है, सबसे पहली बात ये हमारे साथ रेडियल साइमेट्रिकल है, रेडियल साइमेट्रिक शो करता है। अच्छा बेटा उसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बेटा एक्वेटिक था और इसके साथ फ्रेश वाटर, तो बेटा ये एक्वेटिक था और मोस्टली ये पाया जाता है मेरीन जस्ट लाइक पोरेफ्रन। अच्छा बेटा ये पाया जाता है सोलिटरी फॉर्म में, कॉलोनियल में भी पाया जाता है, सेडेंटरी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, फ्री स्विमर भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी पाया जाता है और मेरीन वाटर भी पाया जाता है। बेटा सोलिटरी अकेला भी होता है तो जुंड में भी होती है, ये अटैच होते हैं ज़मीन के साथ तो फ्री स्विमर भी होते हैं, तो मतलब एक डाइवर्स ग्रुप है, इसमें हर तरह के एनिमल पाए जाते हैं। बेटा ये भी सेम लाइक दैट डिप्लोप्लास्ट है, इसमें होता है एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, समझ गए ना, उसमें भी सेम लाइक डिप्लोब्लास्टिक वहाँ पर मौजूद था, ये भी मौजूद है, तो उसमें भी दो लेयर्स पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताया चलूँ एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म सारे का सारा हमारे साथ यहाँ पर इस तरह का मौजूद है। अच्छा बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान वहाँ पर नॉन सेलुलर पैरेन्काइमेटस टिश्यू था, ये नॉन सेलुलर लेयर है और इसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। बेटा अगर मैं यहाँ पर देखा हूँ ना तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेसोग्लिया है। ये भी मेसोग्लिया है, समझ गए ना, ये सारा का सारा जो ब्लू है ये एक्टोडर्म और ये रेड का अगर मैं आपको बताते चलूँ तो ये एंडोडर्म। तो दरमियान में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान यहाँ पर भी मेसोग्लिया, एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान यहाँ पर भी मेसोग्लिया इस तरह पाया जाता है। समझ गए ना कि इसमें भी नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है।